सो आज की इस वाली वीडियो में आप सबको स्टैप के फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जो कि देखने में काफी अमेजिंग से लग रहा है एंड आप सब इजीली कर सकते हो। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आपको सिंपल अपने मोबाइल के अंदर पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करना है एंड वहाँ पे आप सभी को इस वाली बैकग्राउंड को लेकर चले आना है। एंड इस बैकग्राउंड को लाने के बाद आप सभी को इसका एक चीज़ चेक कर लेना, टूल्स में आना एंड क्रॉप में आने के बाद आपको ये चीज़ चेक कर लेना कि इसका जो बैकग्राउंड साइज है वो इंस्टा पोर्ट्रेट साइज है या नहीं। अगर नहीं रहेगा तो आप उसे सेट कर लेना इंस्टा पोर्ट्रेट साइज में एंड उसके बाद फिर सिंपल आप यहाँ पे जो है वो डन कर देना। ओके, एंड इसके बाद जो है हम सभी को ऐड फोटो में चले आना होगा एंड यहाँ पे आने के बाद आप सभी को जो है यहाँ से एक बैकग्राउंड को ही ऐड करना है। तो डाउनलोड की फोल्डर में है तो ये रही हमारी बैकग्राउंड। तो हम इस बैकग्राउंड को यहाँ से सिंपल जो वो ऐड कर लेंगे एंड ऐड करने के बाद हम लोग को वो पीछे वाले बैकग्राउंड के ऊपर जो है परफेक्ट इसे हम लोग इस तरीके से सेट कर लेंगे एंड इरेज वाले ऑप्शन में चले आना होगा। एंड इरेज में आने के बाद इसका हार्डनेस को आप सभी को कम कर देना, अराउंड 40 रखना एंड साइज को 60+ ही रखना, ऊपर की साइड से ऐसा यहाँ पे इरेज करना। ओके, एंड उसके बाद सिंपल आपको यहाँ पे डन कर देना। तो आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो बन जाएगा। उसके बाद सिंपल आप यहाँ पे डन कर देना। तो ये हो गया, आपने इस तरीके का यहाँ पे बैकग्राउंड बना लिया। तो इसके बाद आपको फिर से यहाँ पे चले आना होगा ऐड फोटो में एंड उसके बाद आपको यहाँ से जो है वो अपने फोटो को ऐड कर लेना, जिस फोटो को आप लोग एडिट करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, आप देख रहे हो। तो आप लोग अपने फोटो को लाने के बाद इस जो आपने बैकग्राउंड बनाया उसके ऊपर आप सभी को परफेक्ट सेट कर लेना एंड उसके बाद फिर सिंपल आपको यहाँ पे डन कर देना। एंड उसके बाद आपको फिर से चले आना होगा ऐड फोटो में। यहाँ से आप सभी को एक रॉ पीएनजी और एक बगी पीएनजी को हम लोग को यहाँ से ऐड कर लेना, ठीक है। तो ये दोनों पीएनजी को ऐड करने के बाद आप सभी को क्या करना होगा, ये ड्रॉप को इधर साइड में लाना आप सभी को एंड यहाँ पे इस ड्रॉप पीएनजी को सेट करना एंड उसके बाद फिर आप लाना आप सभी यहाँ पे बगी पीएनजी को और बगी को आप सब ये साइड में इधर सेट कर देना। ओके, एंड जैसे आप ये दोनों को परफेक्ट सेट कर लोगे अच्छे तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर, तो जस्ट आपको सिंपल यहाँ पे जो है वो डन कर देना। इसके बाद आपको फिर से चले आना ऐड फोटो में। तो आप सभी को इस बार जो है यहाँ से ऐड कर लेना पैराशूट से जो बंदे लोग उतरते हैं वो एंड एक प्लेन है साथ में, तो ये दोनों पीएनजी को ऐड करना आप सभी को। तो ये पैराशूट वाले जो है इधर, तो ये बंदे को हम लोग ये साइड में यहाँ पे सेट करेंगे एंड उसके बाद ये जो प्लेन है हम लोग यहाँ पे इसे फ्लिप कर लेंगे, ठीक है। आप उसके बाद आप सभी ये साइड में यहाँ पे इस तरीके से सेट कर देना। तो आप ये जैसे ये दोनों पीएनजी को भी परफेक्ट सेट कर लोगे बैकग्राउंड के ऊपर, पैराशूट एंड ये प्लेन को, सिंपल डन कर देना। तो ये भी स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया, वाह वाह वाह, तालियां होना चाहिए। तो उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो में आना है एंड ऐड फोटो में आने के बाद आप सभी को जो है इस बार ऐड कर लेना है बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के टेक्स्ट पीएनजी जो है फॉन्ट है। ओके, तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना एंड उसे आप सभी को इस तरीके से बैकग्राउंड के ऊपर जो लेवल 3 के हेलमेट दिख रहा है आपको जस्ट उसके ऊपर यहाँ पे सेट करना है इसको एंड उसके बाद सिंपल यहाँ पे आप डन कर देना। तो आपने इस पीएनजी को परफेक्ट सेट कर लिया एंड इसके बाद आपको ऐड फोटो में चले आना होगा एंड उसके बाद आप सभी को इस बार जो यहाँ से ऐड कर लेना है ग्रिल पीएनजी है एंड एक स्मोक पीएनजी है, ठीक है। तो ये दोनों को लाना आप सब। पहले हम यहाँ पे ग्रिल को इस बैकग्राउंड के ऊपर सेट कर लेते हैं, तो आप सब भी कर लेना एंड ग्रिल को सेट करने के बाद आप सब जो है अब लाना यहाँ पे स्मोक पीएनजी को एंड इसे भी आप सब जस्ट यहाँ पे सेट कर देना। ओके, एंड स्मोक को सेट करने के बाद आप सब चाहो तो इसका ओपेसिटी जो है वो कम रखना, अराउंड 90 ऐसा रखना। ओके, एंड उसके बाद आप सिंपल यहाँ पे जो है वो डन कर देना। तो आपने ये पीएनजी को भी परफेक्ट सेट कर लिया एंड उसके बाद आपको अब जो है यहाँ पे फिर से चले आना होगा ऐड फोटो में। नहीं आना यार, क्योंकि हमने यहाँ पे सारा स्टेप कंप्लीट कर लिया। तो हम यहाँ पे ड्राफ्ट टूल के अंदर अपने फोटो को लाएंगे एंड 3 डॉट पे क्लिक करके अपने इस फोटो को यहाँ पे सेव कर लेंगे। तो ये पिक्सआर्ट के हमारा यहाँ पे काम खत्म। तो अब हम लोग अपनी इस फोटो को लाइटरूम के अंदर लेकर आ चुके हैं, आप सब देख रहे हो। तो लाइटरूम के अंदर आपको लाइट के अंदर चले आना एंड इसका शैडोज को इंक्रीज करना, कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना। ओके, एंड कलर वाले ऑप्शन में जो दिख रहा है आपको यहाँ पे टेम्परेचर को चढ़ना 4 एंड वेबरेंस जो आपको दिख रहा है इसको रखना 40 एंड उसके बाद मिक्स में चले आना। मिक्स में आने के बाद आपको इसका ऑरेंज कलर का लुमिनेंस को इंक्रीज करना। ओके, एंड उसके बाद ग्रीन कलर का लुमिनेंस गलती से हो गया, इसे छोड़ देना। लुमिनेंस इंक्रीज नहीं करना, ये सब सारे का सैचुरेशन को सिर्फ यहाँ पे इंक्रीज करना। ओके ओके, एंड उसके बाद सिंपल मिक्स है वो डन कर देना। ओके, एंड इसी के साथ आपको कलर वाले ऑप्शन से भी निकल जाना एंड इसके बाद आपको जो है वो चले आना इफेक्ट वाले ऑप्शन में, जहाँ पे आपको क्लैरिटी को इंक्रीज करना है एंड विग्नेट को माइनस की तरफ रखना एंड उसके बाद आपको इफेक्ट वाले ऑप्शन से भी निकल जाना एंड आपको चले आना सिलेक्टिव के अंदर। प्लस के आइकन पे आपको इधर क्लिक करना, सर्कल वाले को सिलेक्ट करना एंड आपको फेस के ऊपर एक ऐसा सर्कल बनाना आप सभी को। एंड उसके बाद आपको जो है चले आना लाइट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर आप सबको शैडोज को इंक्रीज करना है एंड उसके साथ में आपको यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को भी इंक्रीज़ कर लेना। आप सब अपने फेस के हिसाब से देख लेना एंड उसके बाद फिर आपको फिर से प्लस के आइकन पे क्लिक करके एक लाइन वाले को सिलेक्ट करना
और इस तरीके से आपको यहाँ पे एक लाइन बनाना नीचे की साइड से, और उसके बाद लाइट वाले ऑप्शन में एक्सपोजर माइनस की तरफ कर देना। ओके, तो ये होगा। इसके बाद आपको फिर से प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, फिर से सर्कल को सिलेक्ट करना, और एक आपको इस तरीके से इतना बड़ा सा ऐसा सर्कल बनाना, और इसे आप सब यहाँ पे इन्वर्ट कर लेना। इन्वर्ट करने के बाद आप सब यहाँ पे लाइट वाले ऑप्शन में चले आना और इसका एक्सपोजर माइनस की तरफ रख देना। ओके, एंड इसके बाद आप फाइनली यहाँ पे डन कर देना। तो आपके यहाँ पे जो रिटास्क है वो कंप्लीट हो चुका। एंड जो लोग इजी चाहते हैं, शॉर्टकट चाहते हैं, तो उनके लिए मैं प्रीसेट बना दिया हूँ इसका, तो आप सब जाके इजीली डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, ताकि आप एक क्लिक में अपने फोटो में ये चमक ला सको। सो आप सब यहाँ पे स्क्रीन पे बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो फोटो का, क्या ही चमक आया भाई, मतलब कहना नहीं है, पूरा का पूरा चमक जो वो रिटच करने के बाद है, आप सब देख सकते हो, आपको समझ आ ही रहा होगा देख के। सो होपफुली कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो लाइक जरूर से करना आप सब, एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, एंड अगर आप सभी स्टाफ क्रिएट करते हो तो इंस्टा पे भी जरूर से टैग करना। मिलता है आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।